Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are safe and secure at your home. Dear students, we are going to read a new poem, Digambi Cat. कौन सी हमारी ये poem? Digambi Cat for class 7th standard. Dear students, open your book. Open your books, page number 69, and listen to me carefully. Digambi Cat. क्या सुनना है हमें? हम क्या पढ़ना है आज? Digambi Cat. This is the poem written by the poet T.S. Eliot. It's a very beautiful poem. This is the poem of cat. She looks a ordinary cat, but her behavior is totally different at the time of night. All the night time, she does all the activity, but at the daytime, she sits lazily. So let's read the poem first. I will read the poem and I will explain it to be attentive. मैं पढ़ूंगी first four lines, then I will explain one by one. I have a Gambi cat in my mind. Her name is Jenny Annie Dots. Her coat is of the tabby kind with tiger stripes and leopard spots. All the day she sits upon the stair or on the steps or on the mat. She sits and sits and sits and sits, and that's what makes a Gambi cat. Then I will explain. I have a Gambi cat in my mind. मेरे मन में एक गंभी कैट है. हर नेम इज जेनी एनी डॉट्स. उसका नाम है जेनी एनी डॉट्स. हर कोट इज ऑफ द टैबी काइंड. उसकी चमड़ी के बाल है मोटे रेशम के जैसे, विद टाइगर स्ट्राइप्स, चीती की जैसी धारियों वाले, एंड लीपर्ड स्पॉट्स, और तेंदुए के जैसे धब्बे. जिसकी चमड़ी है कैसी? चीते के जैसी धारियों वाली और तेंदुए के जैसे डब्बे. एंड ऑल डे शी सिट्स अपॉन द स्टेयर्स. पूरा दिन बैठी रहती है वो अपने किस पर? सीढ़ियों पर. स्टेयर बोलते हैं सीढ़ी को. और ऑन द स्टेप्स है ना, और ऑन द मैट्स. या वो सीढ़ी पर बैठी रहती है, या वो जीने पर बैठी रहती है, या वो चटाई पर बैठी रहती है. शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, एंड दैट्स व्हाट मेक अ गंभीर कैट. बैठी रहती है, बैठी रहती है और बैठी रहती है, और इसी वजह से बन गई है वो एक गंभीर कैट. नाउ आई विल रीड 5 to 8 लाइंस. पहली चार हमने पढ़ी, 5 से 8 तक मैं पढ़ूंगी पहले, उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी. But when the day's hustle and bustle is done, then the Gambi cat's work is but hardly begun. And when all the families in bed and sleep, she tucks up her skirts to the basement to creep. But when the day's hustle and bustle is done, लेकिन जब दिन भर की चहल पहल, hustle and bustle, चहल पहल खत्म हो जाती है, then the Gambi cat's work is but hardly begun. तब Gambi cat का काम मुश्किल से शुरू हो जाता है. जब लोगों की चहल पहल दिन को खत्म हो जाती है, तो रात को इसका काम क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है. And when all the families in bed and sleep, और जब पूरा कुंबा बिस्तर पर सोया होता है, पड़ा होता है, she tucks up her skirts to the basement to creep. वो ऊपर को समेट लेती है अपनी स्कर्ट रिंग कर तहाने को. अब मैं पढ़ूंगी लाइन्स 9 to 12. शी इज डीपली कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ द माइस. देयर बिहेवियर्स नॉट गुड एंड देयर मैनर्स नॉट नाइस. सो व्हेन शी वाज गॉट देम लेक्ड अप ऑन द मैटिंग, शी टीच देम म्यूजिक क्रोचटिंग एंड टैटिंग. क्या होता है इसको? शी इज डीपली कंसर्न विद द वेज ऑफ द माइस.
बहुत परेशान है वो चूहों के तौर तरीकों के बारे में. देयर बिहेवियर इज नॉट गुड एंड देयर मैनर्स नॉट नाइस. उनका चलन नहीं है अच्छा, चाल चलन अच्छा नहीं है और उनकी आदतें हैं बढ़िया. ना उसकी आदतें अच्छी है ना उनका चाल चलन अच्छा है. सो व्हेन शी हैज गॉट देम लाइंड अप ऑन द मैटिंग, इसलिए जब उन्हें चटाई पर खड़ा कर लेती है एक लाइन में, शी टीच देम म्यूजिक, वो उन्हें मौसीकी सिखाती है. कोचटिंग एंड टैटिंग, क्रोशिए से कढ़ाई करना और जूलर बुनना. क्रोचटिंग बोलते हैं क्रोशिए, क्रोशिए से नहीं हमारी औरतें, हमारी मतलब हमारी सिस्टर्स, हमारी मदर्स वगैरह ये नहीं बुनती है स्वेटर्स, और जूलर बनाती है ये भी उनको सिखाती है. ठीक है ना. आप है लाइन नंबर 13-16. आई हैव अ गंबी कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनी एनी टॉट्स, हर इक्वल वुड बी हर्ड टू फाइंड, शी लाइक्स द वॉर्म एंड सनी स्पॉट्स, ऑल डे शी सिट्स बिसाइड द हर्थ और ऑन द बेड और ऑन माई हेड, शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गंबी कैट. ये क्या बोलती है, आई हैव अ गंबी कैट इन माई माइंड, हर नेम इज जेनी एनी डॉट्स, मेरे मन में एक गंभीर कैट है जिसका नाम है जेनी एनी डॉट्स, हर इक्वल वुड बी हर्ड टू फाइंड, मुश्किल होगा उसके जैसा ढूंढना, उस जैसी गंभीर कैट को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है. शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट, उसे पसंद है सुहानी गर्मी और धूप वाली जगह. आप देखो अमूमन बिल्ली जो होती है वो जब धूप चढ़ती है तो वो धूप में गर्म जगह में वो जाकर बैठ जाती है. ऑल डे शी सिट बिसाइड द हर्थ, दिन भर बैठी रहती है वो अंगीठी के पास, अंगीठी आपको पता है ना किसको बोलते हैं, गुड, अंगीठी के पास और ऑन द बेड और ऑन माई हेड, या चारपाई के ऊपर या मेरी टॉप के ऊपर. शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, बैठी रहती है और बैठी रहती है और बैठी रहती है और बैठी रहती है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गंभी कैट, इसीलिए बन गई है वो एक गंभी कैट. तो बच्चों आज का हमारा जो ये टॉपिक है गंभी कैट यहीं तक, तो कल यहां से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, टेक केयर.